कनाडा में हिंदुओं पर बड़ा हमला हुआ है। कनाडा में ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर और वहां आए श्रद्धालुओं पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया, लाठी डंडे बरसाए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कनाडा में हिंदुस्तानी बटे हुए हैं। इस अटैक के बाद वहां तनाव बढ़ गया है। कनाडा के हिंदू अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं क्योंकि बटो और राज करो के तहत ट्रूडो सरकार खालिस्तान समर्थकों को शह दे रही है। इस मौके पर कनाडा के हिंदुओं को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी याद आ रहे हैं। एक होना पड़ेगा। लखनऊ से करीब 12,000 किलोमीटर दूर योगी आदित्यनाथ का नारा चल रहा है, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे का नारा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के कानों में गूंज रहा है। सुन लो, अभी भी कह रहे बटोगे तो कटोगे। लेकिन कनाडा के हिंदुओं को ये नारा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कनाडा का ही ब्रैम्पटन से आई इन तस्वीरों से। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर हंगामा शुरू हुआ। एक तरफ तिरंगा और भगवा झंडा लेकर मंदिर में आए श्रद्धालु नारेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ खालिस्तान समर्थक पीले झंडे लेकर आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। अचानक खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया, झंडे में लगे डंडों से अटैक किया। यहां पुलिस खड़ी रही पर उसने खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद जब हिंदू भागकर मंदिर के अंदर चले आए तब ट्रूडो की पुलिस ने चुन चुन कर हिंदुओं को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। तीन तीन पुलिस वालों ने मिलकर एक एक हिंदू को गिरफ्तार किया। ऐसा लग रहा है मानो कनाडा की पुलिस खालिस्तानियों के इशारे पर उनके लिए ही काम कर रही है। ट्रूडो की पुलिस को हमला करने वाले खालिस्तानी नहीं दिखे पर निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाने में कोई कमी नहीं रही। कनाडा पुलिस के कई पुलिस कर्मियों ने हिंदुओं पर अटैक किया पर उसी समय योगी के नारे का इस्तेमाल करके हिंदुओं ने एक होकर विरोध किया और एक खालिस्तान समर्थक पुलिस कर्मी को वहां से हटने के लिए मजबूर कर दिया। कनाडा के हिंदू समझ गए हैं कि अगर उन्हें ट्रूडो के बांटो और राज करो की पॉलिसी का मुकाबला करना है तो उन्हें एक होना ही पड़ेगा। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो। अब समझिए ये पूरा विवाद शुरू क्यों हुआ। ब्रैम्पटन शहर में भारतीय उच्चायोग ने हिंदू सभा मंदिर के बाहर काउंसलर कैंप लगाया। ये कैंप भारतीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया गया पर खालिस्तान समर्थकों ने विरोध के बहाने मंदिर पर ही हमला कर दिया। कनाडा के हिंदू इन हमलों के लिए ट्रूडो सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और इन खबरों को देखकर भारत में भी चिंता बढ़ रही है। पीएम जस्टिन ट्रूडो पिछले कुछ महीने में कनाडा के तीन अलग अलग मंदिरों में गए। दिवाली मनाने के लिए भी वो एक मंदिर में गए पर मंदिर और हिंदुओं पर हमले के बाद ट्रूडो ने भी सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर छुट्टी कर दी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमले की निंदा करते हुए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराए और न ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी का जिक्र किया। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने कहा कि खालिस्तानी समर्थकों ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। कुल मिलाकर इस हमले के बाद भी ट्रूडो सरकार से कोई उम्मीद नहीं है।